और इस नागौर के चुनाव के अंदर आज की रात भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने वाले मेरे छोटे भाइयों, मुझे लग रहा है कि शेरानी आबाद की मीटिंग देखने के बाद ज्योति मिर्जा के और जिस तरह का लग रहा है मामला, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो बुझी बुझी लग रही थी, मुझे लग रहा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ तो आप लग रहा है जिस तरह आपने मुझे एक बात कही थी जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था, तब आपने कहा था कि हनुमान जी ईद तक इस चुनाव को आप संभालो, ईद के बाद आपके भाई चुनाव को संभालेंगे। ईद के दिन मैं मकराड़ा के अंदर सुबह 6:30-7 बजे ईद मुबारक करने गया था, हजारों लाखों की तादाद के अंदर मां ने जो रोजा रखा वो हमारे लिए भी दुआ मांगी सब लोगों ने, और एक ही बात उन्होंने कही कि ईद के इस अवसर पर हनुमान जी को मुबारक मौके पर कामयाब करे। और निश्चित रूप से जिस तरह का जोश इस जिले के मुस्लिम भाइयों के अंदर है, जिस तरह का जोश किसान के बेटों के अंदर है, और जिस तरह का जोश शिड्यूल कास्ट और सर्व समाज के अंदर है, जीत का अंतर इतना बड़ा होगा कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान की ऐतिहासिक जीत नागौर की जीत होगी। अभी एक बात आपने कही थी कि चेतन डूडी और हनुमान बेनीवाल एक साथ है, इस चुनाव में तो मुझे लग रहा है कि निर्दलीय हमारा यूनुस खान भाई भी हमारे साथ है। मैं कह रहा हूं ना, और हम मिलके देखो, राजनीति में पता नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूं फिर बता रहा हूं, राजनीति हो सकता है कि हम तीनों एक साथ मिले कहीं ना कहीं, कल को परिसीमन हो जाए, अलग अलग विधानसभाएं बन जाए, मदद करनी पड़े, जब बड़ी लड़ाई आती है तो छोटी लड़ाइयों को भूलना पड़ता है। यह बड़ी लड़ाई है, यह देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ज्योति मिर्जा ने बोरावड़ के अंदर कहा था कि 400 पार संविधान बदल देंगे। भाइयों, अगर संविधान बदल दिया तब न तो आरक्षण रहेगा और न हमारे धर्म रहेंगे और न हम स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार दिए थे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हनुमान बेनीवाल को चुन के भेजोगे, पहली बार तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, अगर 10-15 सीट से रह भी जाती है और संविधान बदलने की बात आई तो कागज फाड़ के और प्रधानमंत्री पे फेंक दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कागज फाड़ के फेंकने के अंदर रिकॉर्ड मेरे नाम है देश और प्रदेश के अंदर, वो रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं। जिस तरह गाली निकालने का रिकॉर्ड रिजवाल मिर्जा के पास है, दिन भर गाल काटे, कर तो कह भैंसिया ने कह राम राम साहब माने बोर्ड दीजियो, कड़ा कैब ड्राइवर क्यों साहब है तो भैंसिया के मन तो आदमी नजर आ रहा है काला काला, क्या को रंग चेंज हुगो कालो रंग हुगो आदमी को, और कड़ा ही कह के माने आदमी है जगह भैंसिया दिखे, और आज एक भाषण और दे दियो कह भाई ये है, मैं कदी झूठ नहीं बोलू, खुद ही कह सुनो, और क्या दो जन हकारा भरे हुए कह मैं झूठ कौन बोलू, और बताओ मैं वोट बाकी रहे सब भैंसे को नकाय दीजिए। नागौर की क्यों बेइज्जती करा रहे हो आप बताओ मुझे, बड़ी मुश्किल से हमने लड़ झगड़ के संघर्ष करके देश में मान और सम्मान बढ़ाया इस जिले का। भाइयों, मैं चाहता तो सत्ता का सुख भोग सकता था, मैं जिद्दी हूं जिस तरह शेरानी आबाद के लोग जिद्दी हैं, वो जिद करते हैं और मुझे पसंद करते हैं हमेशा, पंचायत चुनाव के अंदर भी 1000 वोट दिए इनको। देखो शेरानी आबाद जब शेर से शुरुआत होती है, गांव के नाम की शेर आता सबसे पहले, तो शेरानी आबाद के नौजवान सारे लोग
चाहते हैं कि हनुमान जी जैसा नेता होना चाहिए। पंचायत चुनाव के अंदर 1000 से ज्यादा वोट दिए, आपने मेरे मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सेरानी आबाद चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भाईचारा बना रहेगा, आप पे कोई संकट नहीं आएगा। आप पे संकट आएगा तो आपका भाई आगे खड़ा मिलेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। सेरानी आबाद का बच्चा भी, बुजुर्ग, जवान, अगर नाम से भी मेरे पास आएगा तो मैं उसको बिठा के चाय भी पिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा बच्चे को, और उसका काम भी करूंगा और वापस भेजूंगा। दूध पिलाने का तो ज्योति मिर्जा ने भी कहा था दूध पिलाऊंगी, पिलाया नहीं दूध, आप लोग पिलाए क्या, बिठा के चाय पिलाई है, बाय बाय करके चली गई। पिछली बार भाषण देती थी कि मेरे साथ सेरानी आबाद है, और ये तो आप लोग थे जो 5 लाख कितने वोट आए थे उसके पिछली बार, नहीं नहीं उसके टोटल वोट 5 लाख के लगभग, वो आपके नाम से तो डराती थी मेरे को कि सेरानी आबाद मेरे साथ है, मकड़ा मेरे साथ है, अब की बार हगड़ा ही मारा है। अब बाद में जो मेरे साथ है वो तो साथ ही है पहले से ही, और कोई 2-1 लाख वोट आगे पाछे हो या तो 7-8 लाख और आएगा जुड़का थारा नया जुड़का। आप चिंता मत करो, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक विजय की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। सेरानी आबाद के दो मामले, एक तो हम जब पिछली बार कार्यक्रम के अंदर आए थे 10 लाख रुपए की घोषणा करी, पैसा आ गया था, किसी टाइटल की वजह से अटक गया, वो आ जाएगा पैसा सरपंच साहब, आप निश्चिंत रहें, वो पैसा आपके ट्रांसफर कर दिया, कोई कमी नहीं रहेगी। बाईपास का कागज मैंने चला दिया था और जल्दी बाईपास आपका बनवा देंगे, थोड़ी सी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई वो मैं करा दूंगा। आप तो काम के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी, जैसा जैसा आपने मुझे कहा है, दो सड़क बनाने की बात और कही है कि सेरानी आबाद से नाडा की ढाणी होते हुए लोरोली खुर्द और डामर सड़क बनाने की, एक ही है क्या, एक क्या है बाईपास, ये दोनों मैं करवा दूंगा आपके जल्दी, आप निश्चिंत रहें। सीएससी है क्या, सीएससी बनावा ना, ठीक है। ये तो छोटे छोटे काम है, आप चिंता क्यों, एक दिन सरपंच साहब मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद आपके बीच आऊंगा और पूरे 2-2.5 घंटे बैठ के गपशप करेंगे, पूरा काम करेंगे, जो मौके पे होंगे मौके पे करेंगे, काम लेके जाऊंगा, काम करा के वापस आऊंगा बीच में, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। पानी का भी मामला था, पानी की टंकी का भी मामला, उसका तो चेयरमैन MP होता है तो निकाल देंगे आपका, आप निश्चिंत रहें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों, देश जिस हालात से गुजर रहा है, प्रदेश जिस हालात से गुजर रहा है, भजन लाल जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना के बिठा दिया, जो भाषण देते हैं कि 1951 में देश आजाद हुआ था। वैसे भजन लाल आज भी तो मर्द है, क्योंकि उसने एक बात बोली, मोदी को श्रद्धांजलि आज तक किसी ने नहीं दी, हिम्मत देखो अगले की, बोला मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई मोदी प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि, जिंदा को, वो भी वो ताकत, किसी में ताकत भजन लाल के अंदर ही है, और मुझे लग रहा है कि चुनाव के बाद भजन लाल भी यहां से निकल जाएंगे, क्या करेंगे भजन लाल फिर भजन गाएंगे राजस्थान के अंदर अपनी भजन मंडली के साथ लेके। भाइयों, आजादी के आंदोलन के अंदर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं कह रहा हूं बात को एक एक ध्यान से, मैं वोट के लिए नहीं कह रहा हूं कि खाली वोट के लिए ही बात कर रहा हूं, जितना योगदान हिंदुओं का इस देश को आजाद कराने के अंदर, अंग्रेजों को भगाने के अंदर था, उतना ही योगदान देश के मुसलमानों का है। मुस्लिम कौम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह घटनाएं जो हो जाती है उसमें तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया जाता है। मदरसों पर जब चेकिंग की बात करी, सबसे पहले आवाज हनुमान बेनीवाल ने उठाई, मदरसों पर उंगली नहीं उठाओगे, कौम पर उंगली नहीं उठाओगे। कोई व्यक्ति किसी भी कौम में खराब हो सकता है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमें याद करना है कि जितना आप लोग धर्म के प्रति उदारता आप लोगों की है, दूसरे धर्मों के प्रति जो उदारता है, होली दिवाली किस तरह आप मनाते हो, और इतनी मैच्योरिटी आ गई। मैं आपको 15-20 साल पहले किस्सा बताता हूँ,
15-20 साल पहले तो इतना नहीं जानते थे कि कलर वलर लगा देते या कोई बात तो थोड़े बहुत छोरे झगड़ा कर लेते थे, लेकिन अब तो आप होली साथ में आके मेरे साथ आके मुस्लिम होली खेलते हैं, दिवाली के साथ आके बैठते हैं, अपनी ईद के इनके घर पे जाते हैं। तो देखो समझदारी बड़ी है अपने अंदर। और मैं आपको इतना आश्वस्त कर दूं कि वर्ल्ड के दूसरे जितने भी कंट्री है उसमें हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा मजबूत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से है, उनको यहाँ कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ आपके आपके आगे लड़ने के लिए हजारों लाखों दूसरे लोग भी है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी सरकार के सामने आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराएंगे तो वो, जिनके साथ हम खड़े हो जाएं तो अगला घबराएगा, ये इधर कहाँ से आगे, तो घबराना उनको पड़ेगा। आप तो जिता के भेज दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हितों पर कुठाराघात नहीं होगा। समझ के साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार भरोसा करके आप लोग मुझ पर देखें, आपको लगे कि हनुमान जी हमारे भरोसे पे खरे उतरे हैं तो मेरी मदद आगे भी करते रहना, और नहीं खरे उतरे तो बदलते रहते हो आप। और आपने ज्योति को 2-3 बार वोट दिए, वो छोड़ के भाग गई, क्या कर लिया आपने, कर लिया क्या कुछ? तो फिर कम से कम मैं आपको छोड़ के तो नहीं, मैं तो आया हूँ आपके साथ। आपकी इच्छा थी कि काश हनुमान बेनीवाल, यूनुस खान और चेतन डूडी साथ आ जाए, आप तो चाह रहे थे। मैं तो भाई यूनुस खान को भी आमंत्रित करता हूँ कि लड़ाई के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़े, हम तैयार हैं सारे एक सारे। वैसे वो मदद कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, मदद कर रहे हैं। और चेतन जी का भी बड़ा मन है, पहले हम सब एक ही थे, चेतन जी के पिताजी को मुस्लिम समाज ने विधायक बनाया 2 बार, चेतन जी को पिछली बार विधायक बनाया। कई बार होता है वोट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैंने इनके मन के अंदर बड़ा मन ये देखा कि ये आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना हमारे समाज को दूसरे समाजों को करते हैं। किसी तरह के मन के अंदर आप घोड़ी पे बिठा के लाते और कंधे पे उठा, इसका मतलब बहुत प्यार करते हो अगले से। और ये जो आपने हमारा मान सम्मान किया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इतनी बदनामी होगी बाकी देश में कि एक दो बदनामी और सही। आज एक ऑडियो वायरल में कह रहा है कि मारा डेढ़, अरे डोपा सुनो, मैं यान को आदमी कौन हूँ, रिचपाल आदमी यान को कौन है, गाड़ी कौन काटे, 1.5 करोड़ अमेरिका था ही मारा वीडियो चले, देखो मन लागे वो तो कॉमेडी वालों काम करी था, वो कॉमेडी काम करी और ज्योति का हाथ तो और कहीं यही काम करे, क्योंकि अब कहते हैं भेज दे हो बात, दूजो काम बच्चे कौन है, और आप भेजोगे निश्चित रूप से। ज्योति मिर्जा से मेरा कोई झगड़ा नहीं, 2009 में रूपाराम जी डूडी, मैं, हबीबुर रहमान, जाकिर हुसैन, हम सब लाए थे, महेंद्र चौधरी, मैं बीजेपी में था, मेरा झगड़ा हो गया बीजेपी पार्टी से, तो हमने कहा साहब हमें ऐसा कैंडिडेट दो कांग्रेस को जिता दें, इनको बीजेपी वालों का दिमाग ठीक करें। लाने के बाद 5 साल इसको ढूंढ के लाए और 5 साल इसने सब लोगों को परेशान किया, किसी की सगी नहीं, आप चेक कर लेना, वोट दे देना चले जाना, अगर सीधे मुँह बात करें तो मुझे बता देना। देखिए भाइयों, हमें ऐसे जनप्रतिनिधि को भगाना है परमानेंट यहाँ से। आप यहाँ आके बार बार आपने कहावत है कि भाई सासरा में ठीक लागे, बेगी बेगी पीर नहीं आओ भाई, ठीक है ना, नहीं तो भाइयों के झगड़ो करा तो ना, आपके सासरे भेजो और आपके सासरे भेजो तो 3-4 सराने आबाद हो सागे को इन भेजा तो आप कह रहा है मैंने पाउना ने कहना रखोड बार बार मतलब बाद में मायरो ले और मैं बढ़ जाऊँ मायरो ले पावणों तो लाई सीधो आदमी है, देखो मैं थाने बताऊं पर पावणा धन्यवाद दूं कि बाइक हाथ लगातार थे हाथ टिक रहा पावणा तो लाली बार क्यों हनुमान मन क्यों फलका पोवे तो भी मैं क्यों गलत कहीं कह दियो, फलका तो हर आदमी के लुगाई पोर गाले और गुण गाले फलका।
अरे लुगाए तो रोटी जिमा और कौन जिमा हुआ, मैंने कोई गलत तो बोला नहीं। और मैं उसको अपनी बहन बोलता हूँ, वो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कहती होगी कि हनुमान तो नशे का कारोबार करवाता है। आप मुझे बताओ, शेरानी आबाद के अंदर कोई ये कह दे कि एक लड़के को हनुमान जी ने बिगाड़ा, मुझे बताओ बच्चों बिगाड़ा किसी को? अगर आए मन लगे एक छोटा टाबर है, रैली अलग करनी पड़े। ए ज्यादा तेज है छोट गया, हमारा 10 साल बाद का वोट है भाइयों। लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, 10 बज रही है। आज आपके मुस्लिम बाहुल्य पंचायतें 4-5 आगे छापरी और कौन कौन से निम्बी, फिर हमारे डीडवाना के 3 शहर। तो मैं इजाजत भी आपसे चाहूंगा, दोबारा जीतने के बाद आपके बीच आऊंगा, खूब लंबी चौड़ी बातें करूंगा, साथ में बैठ के खाना खाएंगे और जितने अपने बचे हुए काम है वो मैं पूरा कराऊंगा। आप आश्वस्त रहें, मस्त रहें, मोदी की सरकार में ताकत नहीं कि आपका कुछ भी